वेलकम टू द चैनल स्मार्ट अर्निंग एकेडमी गाइस, दिस इज अजय कुमार नामदेव और मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं जनरल एप्टीट्यूड का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीबीटी के, जो कि डीबीटी क्रैश कोर्स जो सीरीज चलाई जा रही है स्मार्ट अर्निंग एकेडमी द्वारा, ये उसी का पार्ट है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए चुका हूं, ये मेरा 4th लेक्चर है जहां पे मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में आपको मैंने 2019 18 एंड 17 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को कुछ और आगे लेके जाऊंगा, 17 16 और 18 के विषय कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एग्जाम्स में और किस तरीके से कुछ ईजी मेथड जो होती है कुछ ट्रिक्स अगर मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ लैडर ऑफ 5 मीटर लेंथ इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द बेस ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स डाउन बाय 0.5 मीटर, द फुट ऑफ द लैडर विल शिफ्ट बाय। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि अ लैडर ऑफ 5 मीटर लेंथ इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बॉल। लेट्स सपोज दिस इज अ बॉल, ठीक है, एक लैडर है जो कि 5 मीटर लेंथ का है standing against a wall, so this is how it will be and this is the base. Again, this is 5 meter. Now, the distance between the wall and the base of the ladder is 4 meter. The wall and the base of the ladder is 4 meter. So this distance is 4 meter. Now, उन्होंने बोला है कि if the top of the ladder slips down by 0.5 meter, the foot of the ladder will shift by. मतलब अगर top of the ladder means this, अगर ये 0.5 meter shift हो जाता है नीचे, तो ये जो बोलना चाहिए जनरल सी बात है कि अगर शिफ्ट होगा तो जो बेस ऑफ द लैडर है वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा और यही शिफ्ट आपसे पूछा गया है, द फुट ऑफ द लैडर विल शिफ्ट बाय। तो लेट्स सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए है, ये बी है एंड ये पॉइंट सी है, नाउ आफ्टर स्लिप्स ये हो गया डी एंड दिस पॉइंट बिकम्स ई। सो ए डी इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ लैडर एंड डी इज द लेटर पोजिशन ऑफ द लैडर। नाउ अगर मैं बात करूं दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एंड सी की एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है जहां पे ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये आप इसको अगर यहाँ पे एक एंगल मानते हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपको पता करना है, लेट्स सपोज परपेंडिकुलर मैं पी यहां पे डिनोट कर रहा हूं एंड बेस इज 4। फॉर ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, यहां पे भी एक्स का कोई जिक्र नहीं होगा, हम इनिशियल पोजीशन जो है लैडर की उसकी बात कर रहे हैं। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, 25 माइनस 16 इज 9, ओके। सो नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट हम लेंगे दोनों तरफ, तो माइनस 3 विल बी नेगलेक्टेड क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस विल बी नेगलेक्टेड, यू विल गेट 3 नाउ मीटर। तो आपको ये पता चल गया कि जो इनिशियल पोजीशन थी दिस इज 3 मीटर। नाउ अगर 3 मीटर थी और ये 0.5 मीटर नीचे शिफ्ट हुआ है 0.5 मीटर, तो जो रेस्ट है वो कितना जाएगा 2.5, 3 में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। नाउ मैं आपको ये दूसरा फिगर समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ द जो डिस्टेंस होगा वो कितना जाएगा 4 प्लस एक्स जो बेस है, उसके बाद जो आपका ये हाइट है ये हो जाएगी 2.5 और जो लैडर का लेंथ है वो तो सेम रहना 4 मीटर। नाउ दिस इज अगेन अ राइट ट्रायंगल, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज बी, दिस इज अगेन अ राइट ट्रायंगल। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे वही इक्वेशन लगेगी सेम कि 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस वाला स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, 25 इज इक्वल टू इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6.25। नाउ इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लुक लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2.75 is equals to 0. 2.7 है, क्या है 16 plus 6 is 22.25, 25 जब इधर आएगा तो minus 4.25 होगा, उसमें subtract कर देंगे आप 25 में से 22.25, then you will get 2.75. so this is the equation. अब आपके पास एक challenge होगा कि इस equation को आप solve कैसे करें, general quantity equation जो आपने solve करी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ही advice दूंगा कि आप जो decimal part से fraction part में change करें, जब आप इसे fraction part में change करेंगे तो this will look like x square plus 8x minus 11 upon 4. कैसे चेंज करते हैं तो आपको पता होगा 2.75
यहाँ टॉप पे देखेंगे आप 2.75 अपॉन पॉइंट आप ये हटाएंगे तो आपको नीचे 100 मिलेगा 275 अपॉन 100 इसे सॉल्व कर लीजिए 25 से डिवाइड करेंगे 25 4 से 25 11 टाइम्स सो इट विल बी 11/4 सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने हमेशा एक तरीका तो आपने सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कि आपको लास्ट वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जो बीच वाला टर्म है इसको मतलब दो बोलना चाहिए दो पार्ट में आप ऐसे ब्रेक कीजिए कि प्लस करने पे आपको मिडिल वाला टर्म मिले और इनटू करने पे लास्ट वाला टर्म मिले. सो बेसिकली वो तरीका यहाँ लगाने जाएंगे तो दैट विल बी अ बिट हार्ड. दूसरा तरीका आपके लिए है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वो लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको एक तीसरा तरीका बताऊंगा मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर वाला जो कि थोड़ा इजी है यहाँ पर. नाउ इसको देखिए हम जब बात करेंगे इन दोनों के लिए अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हैं हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2.2 इंटू 4 मतलब 2 इसको मैं बोलूँ ए सॉरी बी एंड एक्स को मैं बोल रहा हूँ ए ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं क्या एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए. बी मैंने क्या माना है 4 मतलब 4 का स्क्वायर में प्लस और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकता हूँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 16 करूंगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 करूंगा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 11/4 इज इक्वल टू 0. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको मैं लिख दूंगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस 75/4 इज इक्वल टू 0. नाउ इसके बाद मैं ऊपर यहां सॉल्व कर रहा हूं. सो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 75 अपॉन 4 को लिख रहा हूं 2 का होल स्क्वायर सी. नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका मतलब होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. नाउ सो एक्स प्लस 4 प्लस रूट 75 अपॉन 2 एक टर्म हो जाएगा यहां हो जाएगा ए ये ए हो गया प्लस बी. सिमिलरली यहां पे a माइनस बी अंडर रूट ऑफ 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अंडर रूट ऑफ 75 क्या होता है x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 75 को मैं लिख सकता हूं 5√3. अंदर क्या होगा 25 इंटू 3 इज 75 25 को हम रूट के बाहर लाएंगे तो 5 हो जाएगा बचेगा रूट अपॉन में 2. सिमिलरली यहां पे भी यही होगा x प्लस 4 माइनस 5√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व करेंगे ठीक है. इसे सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि रूट थ्री की जो वैल्यू होती है रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732 ठीक है. ये वैल्यू आपको पता होगी या तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल होगा एग्जाम में या फिर एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ रूट थ्री रूट टू की वैल्यू आपको वैसे भी पता होनी चाहिए. सो नाउ अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए x प्लस 4 प्लस यहां पे अगर आप 1.732 वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 1.732 हाँ सॉरी अपॉन 2 सिमिलरली यहां पर होगा x प्लस 4 माइनस 5 इंटू 1.732 बाय 2 इक्वल्स टू 0. नाउ 5 इंटू 1.73 विल बी कितना होगा यहां पे आप देख सकते हैं इट विल बी अराउंड 8.66. आपको सॉल्व करके बता देता हूं यहां पर इसमें अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 कैरी 1 5 3 15 1 16 6 कैरी 1 5 7 35 1 36 6 कैरी 3 5 1 5 प्लस 3 8.66
सो एक्स प्लस फोर अपॉन में टू भी है, तो इसको अगर आप टू से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 4.33। सो मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 4.33। सिमिलरली यहां पर भी माइनस 4.33। अब इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8.33 और इसे करेंगे तो x माइनस 0.33। अब इससे x का हम इक्वेट करेंगे इसको 0 से, तो x का वैल्यू यहां पे हमें दो वैल्यू मिलेंगे, x इज इक्वल टू एक वैल्यू मिलेगी -8.33 एंड एक वैल्यू मिलेगी 0.33। इसको जब इक्वेट करेंगे तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.33। नाउ x इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, आपके पास जो x की वैल्यू बचेगी दैट इज 0.33 एंड दैट टू इन मीटर। So, अगर आपको ये चीज समझ आई हो कि हमें से पूछा ही क्या था कि x जो है जो शिफ्ट है वो कितना है, तो x is equal to 0.33 मीटर, which is your answer. This is your answer. तो आपको चीज समझ आएगी ये क्वेश्चन में हमें कितना तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ सकता है। शायद आपने ये चीज नहीं सीखी यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके यूज किया जा सकता है या किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ आपकी कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों ने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा, सो आपका रिवीजन हो गया है और मैं बोलूंगा कि तरीका भी आप ध्यान रखें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब ये क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन में देखेंगे तो आप चार टाइप के जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको यही देख के सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कुछ और ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फॉलोइंग नंबर इक्वल टू द 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स शिफ्टिंग के लिए सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा 5 प्लस 1 6, 12 के लिए 2 प्लस 1 3, 24 के लिए 6, 27 के लिए 9। अब इसका 3 टाइम्स करिए सबका तो 6 3 18, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। इसका 3 टाइम्स 3 3 9, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। 6 3 18 अगेन दिस इज नॉट इक्वल एंड 9 3 27 दिस इज इक्वल। तो आपको समझ आया कि सम ऑफ द डिजिट्स का 3 टाइम्स करने पे आपको सेम नंबर मिलना चाहिए जो कि सिर्फ एक ही केस में मिल रहा है, दिस इज 27 वाले केस में। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगेन इफ 5 ml ऑफ 20% इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ 80% इथेनॉल द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल एप्रोक्सीमेटली बी। अब आपने यहां पे क्या हुआ है कि दो टाइप के सॉल्यूशन आपसे मिक्स कराए गए हैं, ठीक है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपसे इथेनॉल का कंसंट्रेशन पूछा गया है। So, मैं इसके लिए आपको सबसे सिंपल बताऊं, आप एक एक लाइन को बस देखते जाइए कि इस कंसंट्रेशन को देखिए और इस कंसंट्रेशन को देखिए, बस आपका क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। लाइक सपोज कि 5 ml ऑफ 20% बोला गया है, 5 ml ऑफ 20% इथेनॉल यही बोला गया है क्वेश्चन में, तो 5 ml आपके पास इसमें से आपका 20% इथेनॉल है, तो 5 ml का 20% कितना होगा 20/100 1 ml, सो आउट ऑफ 5 ml 1 ml is ethanol. Now, similarly for 25 ml हम बात करते हैं कि 80% ethanol है. So 80/100 × 25 करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 24 × 80 × 25 = 100, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 ml. So out of 25 ml, मैं लिखूँगा 20 ml is ethanol. दोनों को mix किया गया, तो total जो आपका बोलना चाहिए solution हो जाएगा, final solution वो कितना होगा 25 plus 5, that is 30 ml. उसमें जो इथेनॉल है वो कितना होगा, इसमें 1 ml इथेनॉल है, इसमें 20 ml इथेनॉल है, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 21 ml इथेनॉल हो जाएगा। तो इन अ 30 ml सॉल्यूशन 21 ml इज इथेनॉल, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इथेनॉल का 21/30 × 100, इसका परसेंटेज आप निकालेंगे 3 × 3 = 3, 7 × 21 = 10, 7 × 70, तो 70% इथेनॉल आपका फाइनल सॉल्यूशन में होगा। सो दिस इज योर आंसर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको साफ बोलूंगा
क्वेश्चन पढ़िए और अज्यूम कीजिए कि आपके सामने ही वो चीजें हो रही हैं और आप खुद कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक सपोज कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन एंड 7 येलो बॉल्स, इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड साइमल्टेनियसली इन अ रैंडम मैनर फ्रॉम द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ग्रीन इज, लाइक सपोज कि एक कंटेनर या बैग आप बोल दीजिए उसमें आपके पास 4 रेड है 5 ग्रीन एंड 7 येलो बॉल्स हैं। नाउ इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड साइमल्टेनियसली इन अ रैंडम मैनर फ्रॉम द बैग, कोई भी दो बॉल आपने उठाई है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है आपके पास 16। फर्स्ट बॉल अगर आपने ग्रीन उठाई है तो उसके फर्स्ट बॉल आपने उठाई था तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 16, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 5, सो 5 अपॉन 16, क्यों, क्योंकि 5 आपका हो गया फेवरेबल और 16 आपके पास टोटल, ठीक है, 5 आपके पास फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब कि कोई भी आप एक बॉल उठाए उसमें से 5 ही बॉल ऐसी जो ग्रीन है, तो आपके पास चांसेस कितने हैं ग्रीन बॉल होने के 5, सो 5 अपॉन 16, 5 आपके फेवरेबल चांसेस हैं, 16 आपके पास टोटल है, तो 5 अपॉन 16। नाउ ये कोई फर्स्ट बॉल की, सेकंड बॉल आपने जब उठाएंगे सेकंड बॉल में आपके पास जो ग्रीन बॉल्स होंगी वो कितनी होगी 4, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी आपके कम होगी तो वो होगी 15, सो नेक्स्ट बॉल की जो आपकी प्रोबेबिलिटी जाएगी वो जाएगी 4 अपॉन 15, सो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगी, तो 5 अपॉन 16 * 4 अपॉन 15, 5 * 5 5 3 = 15, 4 * 4 4 * 4 = 16, सो इट विल बी 1 अपॉन 4 * 12, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा है कि एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/16, वो बॉल निकल गई है आपने उस बॉल को वापस नहीं रखा है, ये साफ लिखा है क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि मेंशन नहीं है कि बॉल को रिप्लेस किया गया है, अगर रिप्लेस किया गया होता तो टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम होती, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है इसलिए टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम नहीं होगी, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट केस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 15, क्योंकि एक बॉल बाहर हो चुकी है और 5 जो ग्रीन बॉल थी उसमें से एक ग्रीन बॉल निकाल ली हमने तो अब बचेंगी 4, तो नेक्स्ट बॉल का ग्रीन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4 अपॉन 15 एंड यू विल मल्टीप्लाई दोस इवेंट बिकॉज़ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 5 अपॉन 16 * 4 अपॉन 15 विल बी 1 अपॉन 12 एंड दिस इज आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। विद दिस आई एम बाइंडिंग दिस लेक्चर एंड गाइस प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स, थैंक यू।